चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही अलग अलग दलों के जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने प्रचार में लग चुके हैं। इस समय डॉक्टर रमन सिंह के साथ हम जा रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट्स का वो प्रचार करेंगे, तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ डॉक्टर रमन सिंह किस तरह की रणनीति के साथ प्रचार करते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे स्टार प्रचारक इस समय छत्तीसगढ़ में अपना पूरा ध्यान फोकस किए हुए हैं और लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और आज हम रमन सिंह के साथ जा रहे हैं, देखेंगे कि उनकी सभाओं का क्या हाल है और टटोलने की कोशिश करेंगे लोगों के मन को कि लोग क्या सोच रहे हैं इस आने वाले चुनाव में और जो जो प्रत्याशी होंगे उनके बारे में। तो चलते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। दोनों प्रमुख दल जो कांग्रेस और बीजेपी हैं उनके स्टार प्रचारक भिड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और अभी कांटे की टक्कर जैसी स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लोकल चेहरे के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और अभी इस समय वो निकले हुए हैं इसे ही प्रचार के लिए अपने प्रत्याशियों के। तो हम लोग अभी इस समय इनके साथ हेलीकॉप्टर में हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो माहौल बना हुआ है जिस तरह का, उसमें अभी बीजेपी को आप कहाँ पाते हैं? आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में कार्यकर्ता पूरी ताकत से लग गया है। कार्यकर्ता के मन में उत्साह है और जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है इस सरकार के खिलाफ, इनके वादा खिलाफी के खिलाफ, जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं करने के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात इस 5 साल में विकास पूरा ठप है, डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। ये छत्तीसगढ़ भी पूरे विकास का भूपेश ने रोक दिया है और उसके ऊपर जो 5 साल में करप्शन हुए, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, 10-15 हजार करोड़ का घोटाला भूपेश बघेल ने किया है, ये सरकार जो ऊपर से नीचे तक करप्ट है, आकंड भ्रष्टाचार में डूबी है, जनता इसको हटाएगी। डॉक्टर साहब, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लगता है आपको कि जो ज़्यादा प्रभावी होंगे आपके लिहाज से, आपकी पार्टी के लिहाज से कौन से मुद्दे आप ज़्यादा उठाने वाले हैं? नहीं, हम तीनों मुद्दे पे जोर देंगे, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा और जन घोषणा पत्र का इशू, ये तीनों मुद्दे प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो किसानों की कर्ज माफ़ी उन्होंने करी है और धान का अच्छा मूल्य भी दे रहे हैं, अभी और मूल्य देने के वायदे होने वाले हैं, कैसे करेंगे आप लोग? तो फ्री बीज की बात करते हैं, लेकिन आप लोग क्या इसको मानेंगे? आप लोग भी इस तरह का कुछ करेंगे? धान के जहाँ तक खरीदी का सवाल है, 80% राशि केंद्र सरकार देती है, 2152 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, केंद्र सरकार देती है, FCI से चावल लेके कस्टम मिलिंग कराने के बाद FCI खरीदती है और वो फिर बाकी PTA सिस्टम में बंटता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये पूरा सिस्टम जो बना है धान खरीदी का और व्यवस्था का, वो पूरी व्यवस्था और बेहतर करने का आश्वासन हम लोगों ने दिया जी। नहीं डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि लोगों को जो मूल्य दिया जा रहा है और भी आगे मूल्य बढ़ा चढ़ा के देने की बात हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए, 2152 रुपया मैंने बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये तो दे रहे, सवाल बोनस का है, बोनस ही राज्य सरकार देती है,
20% हिस्सा। हम इस बारे में चुनाव घोषणा पत्र में निर्णय लेंगे। अच्छा, आपका घोषणा पत्र कब आएगा? लोगों में उत्सुकता है कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र के टक्कर में कुछ बीजेपी निकालेगी, क्या करेगी इस बार? हमारा घोषणा पत्र किसान के, युवा के, महिलाओं के और समाज के सभी वर्गों को चिन्हांकित करके बनाया जाएगा। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाने जा रहे हैं, आपको लगता है महिलाओं का वोट आपको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी पहले भी इसकी समर्थक रही है। क्रमिक शराबबंदी हमने शुरू किया था और आगे भी उसको जारी रखेंगे। ये आपके समय हमने देखा कि आपने धीरे धीरे शुरू किया, पहले कम आबादी वाले गांव 1,500, 2,000, 3,000 इस तरह के गांव में आपने धीरे धीरे बंद किए थे शराब की दुकानें, तो क्या उसको अगर आपकी सरकार बनती तो आगे और बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ाएंगे तो कहां तक लेके जाने का है? क्रमिक शराबबंदी में ग्रामीण क्षेत्र को शराब से धीरे धीरे मुक्त करने का काम होगा, महिला कमांडो को मजबूत किया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। अभी जो आप लोग उठाते हैं शराबबंदी का मुद्दा, और वो कहते हैं कि भाई अभी एक अध्ययन करना होगा, समझना होगा, एकदम से शराबबंदी नहीं की जा सकती, तो आप भी उनका समर्थन करते हैं यानी एकदम से शराबबंदी नहीं हो सकती? 5 साल से अध्ययन हो रहा है और चुनाव आ गया, अध्ययन इनका समाप्त नहीं हुआ, इनको कुछ करना नहीं है, अध्ययन करना है। तो फिर आगे शराबबंदी के बाद और कौन से मुद्दे? आपने कहा विकास, आपने कहा भ्रष्टाचार, आपने कहा युवा किसान, अब ये शराबबंदी, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है जो आप लोग प्रमुखता से उठाने वाले हैं? खासकर अब नक्सलवाद में क्या कहना है आपका? आप लोगों का आरोप है कि टारगेट किलिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके, वो चाहे बस्तर हो या फिर मोहला मानपुर चौकी हो, लगातार 6-6, 7-7 घटनाएं दोनों क्षेत्र में हो चुकी है, और ये चिन्हांकित करके मारने का साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना और चुनाव को प्रभावित करने का इनका नियत है। छत्तीसगढ़ में ऐसे नक्सलवाद अब तो बस्तर तक ही रह गया है, मोटे तौर पे बस्तर में भी कुछ जिलों में, तो इसका श्रेय अभी आप ही लेंगे अकेले कि कुछ भूपेश बघेल को भी देंगे? नक्सल को विषय को लेकर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से काम किया और उसका असर दिख रहा है। धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद बलपूर्वक प्रलोभन से जिस प्रकार धर्मांतरण की आंधी चली है, एसपी को लिखना पड़ता है कि यदि धर्मांतरण नहीं रोका गया तो इस सुकमा में विस्फोटक स्थिति होगी। ये यदि एसपी इस प्रकार की बात कर रहा है, इसका मतलब स्थिति बहुत खराब है। धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में एसपी के ऊपर भी हमला हो गया था। तो डॉक्टर साहब, आप ओवरऑल जो आपने मुद्दे उठाए, जो बातें की आपने, सीन क्या बन रहा है और क्या आप लोगों का प्रोडक्शन है जी? क्या प्रोडक्शन है आपका चुनाव के बाद, क्या बन रहा है? चुनाव में स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस से लोग परेशान हैं, भूपेश बघेल को बदलना चाहते हैं, और इस 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी। आप लोग जो है पूरी ताकत लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता दिल्ली से लेके पूरे देश भर से आ रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ अनुमान आप लोगों ने लगाया कुछ इस तरह से कि कितनी सीटें आप लोगों की आ सकती है? टारगेट तो आप लोगों ने रखा है वैसे? टारगेट अलग विषय है, मगर एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। जी, तो ये आंकड़ा अभी कुछ बता नहीं पाएंगे? आंकड़ा बोलना कठिन है जी। तो इसका अब ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर टफ एक सिचुएशन बनी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टक्कर जोरदार है, देखना होगा कौन इसको आगे लेकर जा सकता है। डॉक्टर रमन सिंह से हम बात करते रहेंगे। प्रचार अभियान में लगे डॉक्टर रमन सिंह अभी बैकुंठपुर पहुँचे हैं और अभी ये हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर उतर रहा है।
पूछते हैं सरगुजा में क्या माहौल है डॉक्टर साहब यहाँ पर? सरगुजा संभाग का वातावरण जबरदस्त रूप से परिवर्तन दिख रहा है। हमारे पास सरगुजा में पिछले विधानसभा में सभी सीटों पे हम पीछे रह गए थे जी। और इस बार न केवल सरगुजा संभाग का रिजल्ट बल्कि स्पष्ट बढ़त के साथ सरगुजा में हम जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जमुदा में से कम 10-12 सीटों पे आगे, 10 सीटों पे आगे रहे। सरगुजा के कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित है, अलग अलग खेमे में अलग अलग हिस्से में बट के चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उस विभाजित कांग्रेस के को इस बार पराजय का मुंह देखना पड़ेगा जी। तो अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने भी आए हैं, लोगों से बात भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, देखेंगे आगे क्या स्थिति बनती है इसकी। डॉक्टर रमन सिंह इस चुनाव अभियान में शामिल होने के लिए आए हैं। डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति से यहाँ जो उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं में वो आप देख सकते हैं। इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ को देख के कुछ अंदाजा लगता है, कुछ कहा जा सकता है कि कुछ तो होने जा रहा है। और इस भीड़ से, इस माहौल से ये समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये जो भीड़ दिख रही है, ये देखना होगा कि ये भीड़ आने वाले दिनों में वोट में बदलती है या फिर लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर और रमन सिंह को देखने के नाम पे जमा हुए हैं। अब नहीं सही बोल, अब नहीं सही बोल, बहनों के साथ छल किया है उसका बदला लेना है कि नहीं? पूरा शराब बंदी करूंगा, 7 दिन के अंदर शराब बंद करा दूंगा। शराब बंदी तो नहीं हुआ, घर घर पहुंचा के शराब बेच रहा है, इसका बदला 17 तारीख को लेना है। महिलाओं को, बहनों को तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी हमर वैकुंठपुर में हमन हवंत है, हेलीपैड में प्रत्याशी भैयालाल राजवाड़े जी भी है, जाना था पुराना मंत्री है। भैयालाल जी काय लागत है, एक लाइन में बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये जो जन सैलाब ला, हाँ। देख के मैं गदगद हो गए। अच्छा। मैं सोचे नहीं रहे कि इतना जन सैलाब आए। हाँ। लेकिन उनकी प्यार और दुलार था। हाँ। उसके चलते मेरे आज नामांकन में हाजिर हुए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या लगा थे आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में क्या माहौल रही? छत्तीसगढ़ में सरकार बनी हमारे। हाँ। ठीक है, तो ये प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी कहा थे। अब चूंकि रमन सिंह जी अवैया है, सिग्नल आगे होकर तब हट गया ना हमने मिलने, अब डॉक्टर साहब से ही बात कर बो। डॉक्टर रमन सिंह अब अपन सभा के बाद यहाँ पहुँच गए हैं, हेलीपैड में पहुँच गए हैं और जाए की तैयारी करत है। और माहौल देख के लगा थे कि डॉक्टर साहब थोड़ा प्रसन्न है। डॉक्टर साहब माहौल अच्छा लगी से का? छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़, अभी तो बैकुंठपुर आए हो, बैकुंठपुर के भैयालाल रजवाड़े के नामिनेशन में 10,000 से ज़्यादा लोग नामिनेशन में उपस्थित रही से, और जतका उत्साह, जतका ऊर्जा, जतका गर्मी और जतका आज बैकुंठपुर की हाल देखें, ये पूरा छत्तीसगढ़ के माहौल है। और छत्तीसगढ़ में सब जगह परिवर्तन के जबरदस्त, भूपेश के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। और अब ये साफ दिखाते कि 7 तारीख और 17 तारीख के होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है और भूपेश की विधायिता है। देखो ये अब डॉक्टर साहब ने लागत है कि अगले चुनाव में अब कांग्रेस के सरकार के जाना तय हो गए है और बीजेपी के सरकार आई ऐसे उम्मीद करा थे। अभी वो बात करबो एकर संग, हम अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर बात करबो, तेकर बाद और चर्चा करबो अलग अलग विषय में, कैसे ढंग के डॉक्टर साहब सोचत है और का चाहते, देखथन चलथन। बैकुंठपुर की सभा
में जो भीड़, जिस तरह की भीड़ अभी दिखाई दी है, उसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार कुछ बेहतर होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो बैकुंठपुर में आपकी सभा में जो भीड़ थी जिस तरह की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बैकुंठपुर में भैयालाल रजवाड़े के नामांकन की रैली में गया मैं, और सवाल ये नहीं कि 10,000 से ज़्यादा लोग थे, सवाल इस बात का है कि जबरदस्त ऊर्जा थी, जोश था, खरोश था और उत्साह था, एक एक व्यक्ति नारे लगा रहे थे। तो ये ऐसे नॉमिनेशन की रैली देख के समझ में आता है कि लोगों में मन में परिवर्तन की जबरदस्त ललक है और वो इंतज़ार कर रहे हैं मतदान हो और कब इस सरकार को बदलें। तो ये परिवर्तन को दर्शाता है। सभा में आपने वो चार नारे दिए, नरवा गरवा घुरवा बारी को बदल कर, वो नारा आपका चलेगा आगे आने वाले दिनों में? ये बार बार दोहराते हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये चारों में तो कुछ काम नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ इनके नारे बदल गए, कांग्रेस की चार चिन्हारी, झूठ बेईमानी, झूठ बेईमानी, चोरी और लबारी। तो ये लबारी बोलने वाली सरकार है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस सरकार को लगातार हर मोर्चे पे न सिर्फ विफल बताए बल्कि भ्रष्ट बताए, और भ्रष्टाचार का मुद्दा पार्टी लगातार उठा रही है, वायदे पूरे नहीं करने का मुद्दा लगातार उठा रही है। डॉक्टर साहब, एक बात और, ये जब अभी जैसे जैसे चुनाव अभी आगे बढ़ेगा और मुद्दे और बढ़ेंगे आप लोगों के, क्या ये राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसी तरह के मुद्दों को उठाएगा कि और भी कुछ मुद्दे ले आएंगे आप? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे में माननीय मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, 9 साल में अद्भुत जो परिवर्तन आया देश में, वो बड़ा इशू हमारे पास हमेशा रहेगा और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो बैकुंठपुर में प्रत्याशी का नामांकन भरने के बाद अब डॉक्टर रमन सिंह लौट रहे हैं रायपुर की ओर, और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सभा में जो जोश दिखाई दे रहा था वही जोश आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। अब देखना होगा कि जो भीड़ जो आती है वो वोट भी लाती है या नहीं लाती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संजय शर्मा, IBC 24।